हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया। सो गाइस, आज हम आपके साथ में लेके आए हैं एक ट्राईपॉड विथ सेल्फी स्टिक। जी हाँ, ये एक हमारा नया ट्राईपॉड है और कहना चाहिए सेल्फी स्टिक भी है, जिसमें सारे फंक्शंस दिए गए हैं। मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। ये प्रोडक्ट हमारे लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हमें बेड टाइमिंग में मूवी देखना है तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो उसमें कर सकते हैं, कोई आउटडोरिंग सेल्फी स्टिक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, गाने सुनना है, मीटिंग करना है, तो इस सभी चीज़ों में यूज़ होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में इसका डायमेंशन भी दे रखा हुआ है पूरा। इसको हम टेबलेट और फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो हम डायमेंशन देखते हैं, जब ये इसको हम खड़ा करते हैं तो 1.3 मीटर की हाइट पे इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके बारे में हाइट, इसकी डीप्थ, सब चीज़ दे रखी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर हम बैठ के देखते हैं तो हमारी गर्दन में दर्द होती है, उसकी जगह सेल्फी स्टिक को यूज़ करें इस ट्राईपॉड के रूप में। इसको हम डिजिटल कैमरे में भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा डिजिटल कैमरा भी इसमें आसानी से फिट हो जाता है। तो आइए अब हम इसको ओपन करते हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं गाइज, ये हमारे लोकल मार्केट से मैंने परचेस किया हुआ है। इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 1100 रुपीज़ का। काफ़ी अच्छा मुझे लगा है, इसके अंदर ब्लूटूथ सपोर्ट दिया गया है सेल्फी स्टिक के रूप में। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला अभी हम इसको बाहर निकालते हैं। सो, ये ओपन हो गया है। ये है अभी हमारे सेल्फी स्टिक मोड पे और अब हम इसको बना रहे हैं हमारा ट्राईपॉड। तो ये देखिए, नीचे से इसका स्टैंड खुल गया है जो कि ट्रायंगल शेप में है। हाँ, ये देखिए, इसके साथ में आया हुआ है रिमोट, वायरलेस रिमोट है जो कि सेल्फी स्टिक में हमें यूज़ में आएगा। कहीं पर हम ग्रुप फ़ोटो भी खींचना चाहें, स्टैंड ट्राईपॉड के रूप में यूज़ करके इसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं, साथ में रिमोट अपने हाथ में रख के। सो, सबसे पहले मैं आपको इसके रिमोट के बारे में बता दूँ। ये रिमोट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसके यहाँ पर फिट है, हमारे हाथ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर बहुत स्लिम दे रखा हुआ है इसको, और इसका जो है यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये चार्जेबल रिमोट है, हमें इसमें सेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बटन है से फ़ोटो खींचने के लिए, ये वॉल्यूम का है, जब हम मूवी देखें तो यहीं से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइड में इसका बटन है, इसको ऑन करते हैं हम, तो देखिए ब्लू लाइट जल रही है। ये अभी कनेक्ट नहीं है अभी किसी भी डिवाइस से, इसलिए ब्लू लाइट ब्लिंक करती रहेगी कंटिन्यू। अब इसको अभी हम बंद कर देते हैं और वापस से इसी के अंदर फिट कर देते हैं। इसको हम फिट करते ही, अगर जैसे हम इसके स्टैंड को बंद करते हैं तो ये हमारी एक सेल्फ़ी स्टिक बन जाती है। हम इसको अपने हाथ में ऐसे रख सकते हैं और ये बटन के थ्रू हम यहाँ पे सेल्फ़ी खींच सकते हैं। इसको हम अपने कंफर्ट के हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें तीन स्टेप दी गई है, लॉक दिया गया है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। हम चाहें तो सेकेंड स्टेप पर ही कर सकते हैं, ये इसका सेकेंड स्टेप हुआ, और एक और लॉक ओपन करते हैं तो ये थर्ड स्टेप है। जितना हम अपने कम्फर्ट के हिसाब से चाहें इसको स्ट्रेच करें और उसको लॉक कर दें। अगर हम इसको ट्राईपॉड बनाना चाहें, कहीं पर खड़ा करके इसको फ़ोटो खींचना चाहें, तो हम इसको ऐसा रख सकते हैं, नीचे से ओपन हो जाएगा। और ये देखिए, 1.3 मीटर की जो इसकी हाइट दी गई है, पूरी कम्प्लीटली हमने ओपन कर दी। अभी इसको हमने टेबल पे रख रखा है, इसलिए इसकी हाइट इतनी अच्छी दिख रही है। हम इसको टेबल पे, ज़मीन पर, कहीं पर भी रख के वीडियो देख सकते हैं, सेल्फी फ़ोटो ले सकते हैं, ग्रुप फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये इतना कम्फर्टेबल है हमारे लिए। सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसको हम बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं सेल्फ़ी स्टिक के रूप में, और कहीं पर भी हम इसको ट्राईपॉड बना सकते हैं। जैसे कि हम इसके हाइट को भी कम करते हुए इसको चेंज कर रहे हैं एक मूवी स्टैंड में, टेबल पर इसको रखकर हम इसमें मूवी आसानी से देख पाएंगे। तो ये अभी हम सेट हो चुका है मूवी स्टैंड के रूप में। इसमें अभी मोबाइल होल्डर लगाना बचा हुआ है, जो कि अभी हमने इसमें लगाया नहीं है, ये इसके साथ आया हुआ है, ये जैसा आप देख रहे हैं। इसको हम ओपन करते हैं और इसके ऊपर अभी फ़िट करते हैं, इसी में हम अपना मोबाइल, हमारा टैबलेट आसानी से फ़िट कर पाएंगे। ये रिमूवेबल रहता है, ताकि यहाँ पर हम चाहे हमारा कैमरा या किसी प्रकार का साइबर शॉट है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकें। तो अभी हम हमारे मोबाइल को यूज़ करेंगे, इसके लिए हम इसको ओपन करते हैं और ये यहाँ पर फ़िट करते हैं। इसको मैं आपको बता दूं, ये इसके साथ में नहीं आता है क्लिप, इसको हमें अलग से परचेस करना होता है, जो कि मैंने ये पसंद किया है मेरी चॉइस के हिसाब से। इसकी क्वालिटी को देखकर मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, मजबूत लगा है ये हमारे मोबाइल को, सेफ्टी पर्पज़ के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मैंने ये अलग से इसमें लिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छे से तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, ये पूरे 360 डिग्री में भी मूव कर जाएगा हर तरीके से। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्राईपॉड में इसको कसने के लिए एक प्रॉपर तरीके से रिंग दी गई है, साइड में ये एक एडजस्टेबल दे रखा हुआ है जिसको हम किसी भी मोमेंट में चेंज कर सकते हैं। सो, आइए अब हम इसको हमारे ट्राईपॉड के अंदर इंस्टॉल करते हैं।
सो ये हमारा मोबाइल होल्डर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। देखिए हम इसको कितना आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं, इसको हम गोल घुमा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर का कंफर्ट। मोबाइल के लिए इसके अंदर फोम लगा हुआ है ताकि हमारे मोबाइल को सेफ्ट अच्छे से कर सके, फिट कर सके। सो आइए अब हमारे मोबाइल को हम इसके अंदर फिट करते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें जो रिमोट दिया हुआ है वो हम इसके अंदर हमारे मोबाइल के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं ताकि इसको हम फंक्शन को यूज़ कर सके। हमने इसको ऑन कर दिया है, इसमें आप देख रहे हैं लाइट ऑन हो रही है, ब्लिंक कर रही है। इसके नाम यहाँ पर शो हो रहा है डीके के नाम से, तो ये डीके के नाम से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ये कनेक्ट हो गया है और लाइट ब्लिंक करना बंद कर चुकी है। अब इस फंक्शन को हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस रिमोट के ज़रिए हम हमारी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और साथ में वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मूवी के समय। तो हम वापस से इसको रिमोट को इस ट्राइपॉड के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और अब हमारा मोबाइल को हम इसके अंदर स्टिक के अंदर सेफली तरीके से फिट करने जा रहे हैं। बहुत आसान है ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने आसानी से ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी कंफर्ट तरीके से ये इंस्टॉल हो गया है, इसके अंदर फिट हो गया मोबाइल। अब हम इसके अंदर मूवी ऑन करते हैं। हमने ये हमारा एप्लीकेशन को ऑन किया है जिसके अंदर हम एक मूवी को चला के देखते हैं कि यहाँ पे इसका व्यू कितना प्यारा आ रहा है। अब हम इसके रिमोट से हम इसको ऑपरेट करते हैं। वीडियो को हमने प्ले कर दिया है और रिमोट से हम इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा अप करेंगे। जैसा कि अभी हमें वॉल्यूम को कम करना है तो इस रिमोट से ही हम इसके वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ाना है तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। मोबाइल को टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, यहाँ पर काफ़ी आसानी से हम रिमोट से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो बड़ा बटन दिया हुआ है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वो भी वीडियो के अंदर वॉल्यूम बढ़ाने का ही काम कर रहा है। सिर्फ वॉल्यूम कम करने के लिए एक अलग बटन है, बाकी तो हम इस दोनों बटन से वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। सो अब हम हमारे वीडियो को स्टॉप करते हैं और कैमरे का फंक्शन को यूज़ करते हैं। कैमरा हमने ऑन कर लिया है और रिमोट से इसके फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं। हमने ये बैक कैमरा यूज़ कर रहे हैं और देखिए काफ़ी आसानी से फंक्शन काम कर रहा है। वॉल्यूम का जो बटन है उसको हम प्रेस करते हैं, उससे भी फ़ोटो क्लिक हो रही है और सेंटर बटन से भी फ़ोटो क्लिक हो रही है। ये इसका एक ऑप्शन ड्रॉबैक है कि इसमें जूम और जूम आउट, जूम इन और जूम आउट नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए। हम इसको प्रेस करके रखते हैं तो इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी ऑन हो रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हम इसको प्रेस करके रखना है, इसके लिए ऑप्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट कैमरे के हम यूज़ करके देखते हैं तो फ्रंट कैमरे के अंदर भी ये सेम फंक्शन यूज़ हो रहा है। फ्रंट कैमरे के अंदर भी हम रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं रिमोट के ज़रिए ही, बटन प्रेस करके रखना है हमें। तो ये काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। अब हम इसको वापस से फिट कर देते हैं हमारी स्टिक के अंदर और इसको हम अब यूज़ करेंगे एज अ सेल्फी स्टिक। ट्राइपॉड से हमने इसको हटा दिया है, मोबाइल स्टैंड के रूप में यूज़ करके भी देख लिया है, अब हम इसको सेल्फी स्टिक के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने इसको उठाया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको पकड़ने के लिए भी काफ़ी अच्छे फिटिंग अच्छी दे रखी है हाथ के लिए। हम इसको फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं और ये हम यहाँ से सेल्फी लेते हैं इसकी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मजबूती की फीलिंग आ रही है इसके अंदर। काफ़ी स्ट्रांग है स्टिक भी, क्योंकि इसके अंदर ट्राइपॉड भी है तो ये अच्छा स्ट्रांग बना हुआ है। अब इसको हम ओपन करते हैं ताकि इसकी इस हाइट को और बढ़ा सकें। अगर हमें ग्रुप सेल्फी लेनी है तो भी इसके लिए हम इसको हाइट को और ऊपर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम करेंगे उतनी ज़्यादा वाइल्ड एरिया में फ़ोटो आएगा। तो आप देख रहे हैं ये हमने इसको ऊपर करा है और फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो गाइज ये है हमारी सेल्फी स्टिक विथ ट्राइपॉड विथ मोबाइल स्टैंड, है कहना चाहिए मूवी स्टैंड। काफ़ी ज़्यादा यूज़ के लिए है, काफ़ी हमें मज़ा आता है इसको यूज़ करने में और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके साथ फ़ोटो क्लिक करने में। सो गाइज आपको कैसा लगा अभी हमारा ये वीडियो, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और भी नई नई चीज़ें मैं आपको इसके साथ शेयर करता रहूँगा।